प्रश्न संख्या 8, 1/2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। हमने यहाँ टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा लिखा है, तो x बराबर हमें प्राप्त हुआ tan थीटा, और राइट हैंड साइड लेने पर हमने देखा cos इनवर्स x की जगह हमने tan थीटा पुट किया, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। तो cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 sec स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा की पावर 1/2। स्क्वायर से पावर हटी तो इसके बाद हमें प्राप्त हुआ cos इनवर्स 1 प्लस sec थीटा अपॉन 2 sec थीटा की पावर 1/2। sec थीटा को हम 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, अतः cos इनवर्स 1 प्लस 1 अपॉन cos थीटा अपॉन 2 sec थीटा की पावर 1/2, और यहां पर cos इनवर्स cos थीटा प्लस 1 अपॉन 2 sec थीटा cos थीटा, sec थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया क्योंकि sec थीटा का मान 1 अपॉन cos थीटा होता है, अतः cos से cos कैंसिल हो गया। तो cos इनवर्स 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2 की पावर 1/2। तो cos इनवर्स, अब 1 प्लस cos थीटा एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कटने पर और cos स्क्वायर थीटा बाय 2 की पावर 1/2, यहां पे पावर भी कैंसिल हो गई, तो cos इनवर्स cos थीटा बाय 2, cos से cos कट गया, थीटा का मान हमने जो माना था वो लिख दिया और उसका प्राप्त हुआ 1/2 tan इनवर्स x। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है।